हर चीज खास है अब है जो है वो समा है मेरा सची तो रब गाइस गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप और आपके घर में सब खुश और खुशहाल होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हनुमानगढ़ से। जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा हम रात को हनुमानगढ़ आए थे, तो यहाँ पे हमें इंटे लोड करनी है। तो अभी भाई ने बोला कि रुको थोड़ा इंतज़ार करो, पता नहीं क्या है मसला है। बस बाकी गाड़ियाँ सारी इधर है, ये गाड़ी में थोड़े चेक कर रहे हैं पानी वानी, तो हाल देखो कितना बुरा है। इसको आगे नसीराबाद में सर्विस कराएंगे गाड़ी को। बाकी माजिद भाई की गाड़ी, इशफाक भाई की गाड़ी, तो मौसम देखो अभी मौसम मस्त है, गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है पूरा। तो होप कि बारिश ना आए क्योंकि लोड करना है। बाकी हमें त्रिपाला डाल के तो आज मैं ईंटें पहली बार भर रहा हूँ। बाकी इशफाक भाई यहाँ पर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, तो अभी करते हैं इंतज़ार भाई का, देखेंगे कब तक ये बोलेगा। मिलते हैं फिर आपको यहाँ से निकलने पे। गाइस निकल गए हम यहाँ से, अभी लोड करने जाना है, पता नहीं कहाँ पे ले जाएंगे। तो पहले हम यहाँ से निकलेंगे, भाई आगे आगे जा रहे हैं, तीनों गाड़ियाँ एक ही जगह लोड हो जाएगी। ये हो रही है माजिद भाई की गाड़ी। और चाचा ठीक हो? चाचा मजे में? और बढ़िया। कितना टाइम लगेगा लोडिंग में? कितना टाइम लगेगा? हाँ इसके बाद इधर ही लगेंगे सारिया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये देखो हाँ वीडियो बनाता हूँ। ये देखो भैया कितनी तेज लोडिंग करते हैं ना, मतलब इनका काम होता है ना, हर किसी को अपना अपना तजुर्बा होता है, वैसे इनका भी तजुर्बा है। कंटिन्यू भैया लोडिंग करते हो आप? कंटिन्यू लोडिंग करते हो? देखो भाई की गाड़ी हो गई लोड और हमारी लग गई लोडिंग पे। लेकिन आप माजिद भाई बोल रहे हैं कि, माजिद भाई बोल रहे हैं मैं चलूंगा आगे होटल पे। क्यों जाओगे माजिद भाई? इसको बांबर है, ये आगे जाता आराम से बैठता। इसका मतलब आज के बाद माजिद भाई की गाड़ी सबसे लास्ट में लोड कराएंगे। उस दिन किशनगढ़ भी यही किया ना, बोला मैं इधर तक जाऊंगा पेशाब करने, फिर उधर से पहुंच गया सौदा। क्या माजिद भाई ऐसा कर सकता है? कमेंट में जरूर बताना माजिद भाई ने ऐसा गलत क्यों किया इशफाक भाई के साथ। बाकी हमारी गाड़ी लोडिंग स्टार्ट। क्यों मैंने पिया नहीं, मुझे दिया नहीं? भाई क्या हुआ, गर्मी ज्यादा लग गया? गैस से गर्मी ज्यादा होती है और आप देख सकते हो गर्मी बाहर कितनी है, और उसके बाद ये गर्मी ये और ज्यादा लगती है। एक ही गाड़ी लोड हो गई। हाँ उमर भाई क्या हो गया? ये देखो ऐसे ईंटे भरते, बस ये फट्टे तक जाती है, बस हो गए गाड़ी डन। वो चल रही, इसके बाद इसके लाइन, फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। बाकी इशफाक भाई की गाड़ी का शो देखो क्या मस्त है। ये उमर भाई, ओ उमर भाई इधर देखो उमर भाई। सो गाइज लोडिंग तो कंटिन्यू है, बस अभी कुछ आधा घंटा लग जाएगा लोड हो जाएगा कम्प्लीट। तो ये यहाँ पे उमर भाई गाड़ी को अंदर से साफ़ कर रहे थे, सीटी वीटी नीचे उतारी थी, पूरा साफ किया, और फिर इशफाक भाई की गाड़ी का इंतज़ार है। बाकी गर्मी का, गर्मी बहुत ज़्यादा है, भी जाएंगे उधर, ये भी कुछ कर रहे हैं। हाँ सो गाइस बाकी ऐसा नहीं है कि खाली हम वीडियो बनाते और गाड़ी चलाना हमें आता है, हमें सारे काम आते हैं, लेकिन अब हम करते नहीं है। देखो इशफाक भाई लोग है ना, ये क्या करे यार, तीनों गाड़ी को यार खुद ब्रेक है, ये इसने सिखाया ना, माजिद भाई ने सिखाया। इशफाक भाई अंदर गए थे ब्रेक करने, पहले माजिद भाई की गाड़ी को किया पूरा ब्रेक, अब अपनी गाड़ी को ये देखो क्या क्या रखा है साथ में, कुंडा और ये 14 नंबर। बाकी वो उमर है ये खाली फोन करता रहता है गाड़ी से, मेरे को फ्रंट में करना है ब्रेक। साहब भाई आपकी गाड़ी को किया ना उधर पर? हां उमर भाई आपको क्या वो खाली फोन? ऐसी जी चाहे जिंदगी है।
देख सकते हो आप उमर भाई, मुझे सलाद खाली मिर्ची दिख रही है, बाकी किधर है? बाकी नीचे है। क्या आप देख सकते हो ये खीरा है और मैंने खा लिया है। और ये धुल खाव है, देवत वस्ता नहीं है। इश्फाक भाई का थंबनेल आ जाए होगा तो कैमरा इश्फाक को सब्सक्राइब किया जाए जल्दी से जल्दी। 20 के करा दो बस, फिर हम नहीं बोलेंगे। 20 के कब होगा? 20 के जल्दी होगा इश्फाक भाई, टेंशन मत। अगर इसने ऐसी मिर्ची दी, अगर उमर भाई 20 मिर्ची खाएगा इसको 500 मिलेगा। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। सो गाइस, ले ली हमने बिल्टी, तो अब निकलने की तैयारी। गर्मी बहुत है यार इश्फाक भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब टेंशन नहीं, गाड़ियाँ खुद लाइन में आ जाती है, मोड़ वोड़ करके हमें बस हेल्प देना होता है। तो बस अब चलते हैं। चल रहे हम मेन रोड पे और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पूछो मत गर्मी कितनी है। तो बाकी अभी नेटवर्क भी आए तो वीडियो भी अपलोड लगा दिया, जो आपको जो आपने पिछला वाला व्लॉग देखा वो अभी अपलोड हो रहा है, उसको टाइम लगेगा लेकिन अपने टाइम पर आ जाएगा। अब आप कमेंट करके ये बताना कि कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा वीडियो के लिए, तो मैं वही उसी टाइम पे वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी हम चाह रहे हैं। तो उमर भाई गर्मी लग गई? गर्मी लग गया। और यार क्या करते हैं, इधर कहाँ गर्मी है। उमर भाई बोल रहा है इधर गर्मी काफी। और रोड को भी ना, इस वाले रोड को नया मैग्नेटाइजेशन हुआ है, जब मैं यहाँ पे था तब ने इसको डाला था। चलो ये भी अच्छी बात है, नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि अब लोड है तो अब आराम आराम से चलेंगे, तेल बचा बचा के, टायर बचा के। धूप बहुत है ना बाहर। रावत सर पहुंचते ही ना गाड़ी का ये फट गई थी ब्रेक वाली ट्यूब, ये वाली है उस्ताद, यही है सेम 331, यही है ये वाला, ये फट गया था इस वाले चक्के का, तो इधर से इसने भी थोड़ा कांड किया, इसमें लगता है ये ड्रम में, इसके बगैर ब्रेक नहीं लगती, प्रेशर पूरा लीक होता है। तो अभी इसको चेंज करते हैं फिर देखते हैं। इस गाड़ी का थोड़ा काम था, ये ऊपर वाला जंगला अच्छा नहीं लग रहा था तो अब इसको हटा देंगे, इसको काटेंगे फिर, इसका डिज़ाइन सही नहीं था। और यहाँ पे जो ट्यूब थी वो भी पड़ गई, शाम को ही निकलेंगे क्योंकि आगे धूप ज़्यादा है, टायर गर्म होते हैं तो फिर नुकसान होता है। सूखा माला टेंशन क्या है। ये काट हो गया। तो उठा दिया ऊपर वाला जंगला, हो रहा ये, तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अच्छा लग रहा था ऊपर जंगला या जंगले के बगैर। का हाल और इश्फाक भाई देखो, इश्फाक भाई ये पसीना देखो इश्फाक भाई को कितना आया, वो घर में यार क्या कर, इसको हाथ नहीं लगा सकते, चेंज के यहाँ से बाजू इसके साथ लगे, मेरे को लगा यार बाजू खत्म। नहीं देखो ना पूरा पसीना, सेम मेरा हाल भी, तो इसलिए कहते हैं ना रेस्पेक्ट ट्रकर्स। क्या इश्फाक भाई, तो फिर लोग बोलते हैं यार आप अपने काम करते हो तो हम रेस्पेक्ट क्यों करेंगे यार, इसको पेमेंट भी करते हैं यार ऐसा, पता नहीं उनका जहन कैसा होता है। मेहनत का हम बोल रहे हैं भाई और कुछ भी नहीं है, देखो घर चलाने के लिए इतनी गर्मी में कौन सहन करेगा, कोई नहीं कर पाता। वो यार मेरा फोन बार बार हॉट हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही है, लेकिन क्या करे। चलो सो फाइनली गाइस हो गया हमारे यहाँ पे काम, ट्यूब भी लग गया और ऊपर जंगला भी उठा दिया, और थोड़ा और काम था ये वेल्डिंग कराना था, छोटे छोटा काम था वो करा दिया। तो धूप देखो यार कितनी है, बहुत ज़्यादा। और माजिद भाई को भी करना था, बस ये थोड़ा बाहर ही रह गया, ये कर रहे हैं उमर भाई, निकलते अब यहाँ से, निकलते अब यहाँ। इतनी गर्मी हो गई ना, इतनी गाड़ियाँ साइड में खड़ी करके, इधर थोड़ा नाल मिला, ये देखो इश्फाक भाई क्या हो गया, इश्फाक भाई ज्यादा लगी, ये देखो उमर भाई गर्मी कितनी है, मासा ठंडी ठंडा फूल फूल। आप देख सकते हो रेत ही रेत, दिस इज राजस्थान, दूर दूर तक कोई भी नहीं, दूर दूर तक। और अब जैसे तैसे सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड पे लगाया, 5:00
37 मिनट पे वीडियो अपलोड हुआ, और वो भी ये देखो, कपड़ा इधर, पानी की बोतल इधर, इसको ठंडा कर करके करें, चार्ज नहीं, 1% हो रहा है अभी भी, ये जैसे 10% फोन चार्ज है मेरा, तो इतनी गर्मियों में दिक्कत आती है। सर्दी में तो खैर ये सब नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी अभी उमर भाई गाड़ी चला रहे हैं, उमर भाई और सुनाओ, उमर भाई चला रहे हैं गाड़ी, गर्मी बहुत है, इसको गर्मी पसंद है, कोई बात नहीं, गर्मी आपको आगे पसंद आएगी, कूलर का कोई फायदा नहीं, इसको गोली मारो, फ़ोन ठंडा नहीं हो रहा है, क्या करें, फ़ोन मेन हमारा फ़ोन से काम था, तो चल रहे अभी। मौसम की अगर बात करें अभी ठंडी हवा, ऊपर मस्त मज़ा है, और ऊपर अपनी गाड़ियां दो पीछे आ रही है, तो देख सकते हो आप, और इश्फाक भाई इसके पीछे है, उमर भाई के पीछे आगे है। ना मज़ा इधर ही है, बिल्कुल रोड पूरा खाली, गाड़ी है ही, वो देखो वहां से जानवर जा रहे हैं, ओ भाई ये जा रहे हैं, जा रहे हैं। और भाई अब मौसम सही है ना, चलो चलो देशभक्त भाई के साथ जाता हूँ, देखो इश्फाक भाई के साथ आ गया, थोड़ा काम है इश्फाक भाई और मुझे, इश्फाक भाई यार बेचारे पीछे चल रहे हैं, हर जगह फैन है भाई, ऐसी बात नहीं, सब जगह भाई मिलेंगे। सो गाइस राइड कंटिन्यू है, तो अभी मैं इश्फाक भाई की गाड़ी पे आया, क्योंकि इश्फाक भाई थक गया था, कब से गाड़ी चला रहा है, मैंने बोला आप अभी बैठो, इसको अभी फोन पे अपना काम है, वीडियो एडिटिंग करना बाकी, तो अभी मैं इश्फाक भाई की गाड़ी चला रहा हूँ, बाकी दो गाड़ी पीछे आ रही है, एंड मौसम अभी मस्त, इतना ठंडा हुआ ना अभी, इतना मज़ा है चलने में पूछो मत, इसलिए हम लेट कर रहे थे, आराम आराम से चल रहे थे, अभी आराम से चल रहे हैं, देखो 40 की स्पीड से चल रहे हैं, अब मौसम भी अच्छा हुआ, अब चलने में मज़ा आएगा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हद से ज़्यादा, और बाकी अभी बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही है, बस हमें किशनगढ़ से पीछे 30 किलोमीटर रुकना है, रूपनगढ़ में ही रुकना है, वो व्यापारी ने फ़ोन किया आप रूपनगढ़ में ही रुकना, सुबह बताएंगे आपको किसको कहाँ पे खाली करना है, तो होप कि कल हमारा जल्दी जल्दी तीनों गाड़ियों का खाली हो जाए, तो फिर हम आगे चलेंगे, अभी पूरा प्लान नहीं कि सौदा जाए या कहीं और जाए, तो कल पूरा कन्फर्म हो जाए कि हम सौदा आ रहे हैं या तरबूजे पे जाएंगे, बाकी अभी चलेंगे अभी आपको। तो गाइस आ गए अभी होटल पे, रात के 12 बज गए, तो पहले खाएंगे खाना, रोटी खाएंगे, सब गाड़ी चला रहे थे और गर्मी भी थी इसलिए गाड़ी में नहीं पकाया, तो बस ये सब बैठे हैं, माजिद भाई भी बैठे हैं, माजिद भाई भूख लग गई, अरे उमर भाई इसका नाम बोलूंगा तो नाम हाईलाइट हो जाएगा, इरशाद अगर एयर भाई मानो तो, और वो दो और वो अकेले बैठा है, लाते हैं पहले खाना फिर मिलते हैं। सो गाइस खा लिया खाना, निकल गए अब यहाँ से, अब रह गए 70 किलोमीटर टोटल किशनगढ़ तक, क्योंकि किशनगढ़ से पीछे रुकना है, तो फिर वहाँ से रुक गए, बाबा ने बोला कल मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो बस राइड कंटिन्यू है, ये आके माजिद भाई की गाड़ी चल रही है, तो पीछे हम चले, उमर भाई राइड कंटिन्यू कर रहे हैं दोपहर से, उमर भाई नींद तो नहीं आई, उमर भाई को मज़ा आ रहा है अभी गाड़ी चलाने में, क्योंकि गर्मी नहीं ना इस टाइम, मज़ा है गाड़ी चलाने में, उमर भाई ने बोला आप आराम करो मैं खुद चलाऊंगा, तो बस चलते हैं और मिलते हैं आपको। सो गाइस अभी हम पहुंच गए रूपनगढ़, तो इधर ही है बापरी का, वेट कर रहे हैं कि कब आए और बोलेगा कहाँ पे खाली करना है, तो बाकी कल रात को उमर भाई फिर कंटिन्यू चले, और मुझे नींद ही इतनी आई थी, मुझे पता ही नहीं मैं कब सो गया, तो व्लॉग एंड करना ही भूल गया और एडिट भी नहीं किया, अब एडिटिंग करने लगा हूँ सुबह सुबह, तो करते इस व्लॉग का यही पे एंड, होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर ये आपको किसी भी रीजन से पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।